मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में आपको सुजुकी एक्सेस के डिजिटल मीटर के बारे में, कैसे आपको उसको कनेक्ट करना है, कैसे आपको उसको यूज़ करना है। सो सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और बताता हूँ आपको सुजुकी एक्सेस के डिजिटल मीटर के बारे में। ये रहा आपका सुजुकी एक्सेस का डिजिटल मीटर। सबसे पहले आपको इसकी ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से। सुजुकी राइड कनेक्ट है इसकी ऐप का नाम। सो मैं वेट करता हूँ जब तक ये डाउनलोड होती है। अभी ये मेरा फ़ोन कनेक्ट है अपने नेट से। अब ये देखिए, अब ये डाउनलोड हो गई है। अब डाउनलोड होने के बाद मैं इसको नेक्स्ट कर लेता हूँ। इसमें थोड़ा सा आपको कनेक्शन के बारे में बताएगा कि कैसे कनेक्टिंग करनी है। तो इसको मैं थोड़ा नेक्स्ट कर लेता हूँ। आपको थोड़े इसमें फ़ीचर वगैरह बताएगा क्या क्या है, कैसे है। सो ये आप देख सकते हो और ये थोड़ी सी आपसे रिक्वायरमेंट मांगेगा। अभी मैं अपना राइडर नेम इसमें डाल देता हूँ, MS। तो MS यहाँ पे अपना राइडर नेम मैं डालता हूँ, MS ही डालता हूँ। और यहाँ पे अपनी लोकेशन। सो लोकेशन आप अगर GPS से वो फैच भी कर सकते हैं। यहाँ पे कनेक्ट कर लो स्कूटर। स्कूटर के बाद यहाँ पे एक्सेस का मॉडल और TNC अप्लाई। TNC और प्राइवेसी यहाँ पे दे रखी है। और यहाँ पे आप कलर चूज़ कर सकते हो कौन सा कलर है आपका। सो मैं लोकेशन ले लेता हूँ। लोकेशन लेके थोड़ा एग्जैक्ट हो जाता है उसके बाद कि हाँ भाई पिक करना। ओहो, ये लोकेशन ही ऑफ है। सो यहाँ से लोकेशन ले ली। लोकेशन इसने ले ली है, देखिए न्यू दिल्ली आ चुका है इसमें। और कलर मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से कौन सा कलर है मेरा। और ये ओके। तो ये बैटरी का थोड़ा सा दिखा रहा है, इसको मैं अलाउ कर देता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ। अभी देखिए ये इसकी डिस्प्ले आ रही है, मतलब ऐप की स्क्रीन आ रही है। सो अभी मैं इसको ऑन करता हूँ अपने जो एक्सेस के डिजिटल मीटर को। ये एक्सेस का डिजिटल मीटर है, अभी मैंने ऑन कर लिया। बैटरी दिखा रहा है 12.2 वोल्ट। और यहाँ से कनेक्शन का बटन दबाता हूँ तो ब्लूटूथ कनेक्ट के लिए। और यहाँ से मैं पेयर का बटन दबाता हूँ। ये देखिए पेयर के बाद यहाँ पे दिखा रहा है वो स्कूटर का कुछ नंबर दिखाता है यहाँ पे। सो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे आपका स्कूटर मेरा कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे MS कनेक्टेड आ गया, ऊपर टाइम आ गया, ऊपर बैटरी आ गया, ब्लूटूथ का आइकन आ गया। सो सारी डिटेल आपकी आ चुकी है मेरी स्क्रीन के ऊपर। और ये तो मैं डिसकनेक्ट हो जाएगा यहाँ से। सो ये नीचे आपको टैब्स दिए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए लास्ट पार्क लोकेशन, प्रोफाइल, ट्रिप्स और हेल्प। लास्ट पार्क लोकेशन में जैसे नेविगेशन से, सो GPS के थ्रू ये दिखाता है कि आपकी स्कूटर की लोकेशन क्या है। और ये प्रोफाइल है, ट्रिप्स है और आपकी हेल्प है। ट्रिप्स में वही आपका कि कैसे है और हेल्प में आपके जनरल टर्म्स होते हैं। और ये दूसरा यहाँ पे मैप माई इंडिया के थ्रू इसका नेविगेशन है। सो यहाँ पे आप मैप लगा सकते हैं अपना, जहाँ भी आपको जाना है उस लोकेशन पे जाना है तो आप अपना ऊपर डाल सकते हैं यहाँ पे। सो वर्क या होम, जैसी भी आपको आपको ईजी सेट करना है। अभी वर्क होम का आप ईजिली सर्च कर सकते हो और वो कर सकते हो, इसलिए वो टैब दिया रहता है। सो इसको मैं ओके कर देता हूँ। ये देखिए तो ये आ गया। अब इसको मैं बैक कर देता हूँ यहाँ से, गो। सो ये मैं बैक कर देता हूँ। ये आ चुका है आपका नेविगेशन। ये देखिए इसको कैंसिल करूँगा तो ये नेविगेशन आपका स्क्रीन पे आ चुका है। और स्क्रीन पे डिटेल है आपकी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है 510 मीटर से लेफ्ट, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल 5.43 एंड 14.3 किलोमीटर, 14.3 के। और यहाँ पे देखिए अगर मैं ऊपर वाला बटन प्रेस करूँगा तो मेरे को वही ट्रिप ए, ट्रिप बी, सो सारी नेविगेशन दिखा रहा है। और यहाँ पे छोटा सा नेविगेशन का आइकन भी आ रहा है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। अगर मैं मीटर की बात करूँ तो 0 मिस कॉल दिखा रहा है। सो मिस कॉल अलर्ट वगैरह वो सब भी आपको दिखा देगा कि कोई मिस कॉल तो नहीं आई आपके फ़ोन पर, कोई अलर्ट तो नहीं आया। सो ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपका डिजिटल मीटर है। इसको मैं बंद करता हूँ और आपको ऐप में कुछ और दिखाता हूँ इसके अंदर। सो ये मेरा मैप है वैसे। सो मैप को मैं एग्ज़िट कर देता हूँ। अब बैक करता हूँ। मैप एग्ज़िट करने के बाद ये देखिए अभी कनेक्शन फेल्ड आ रहा है। और यहाँ से देखिए ये सारे आपके अलर्ट है, नोटिफिकेशन में सिम, इनकमिंग कॉल, इनकमिंग SMS, व्हाट्सएप कॉल, व्हाट्सएप टेक्स्ट। सो ये सारे नोटिफिकेशन अगर मैं ऑन करूँगा तो मेरे को वहाँ डिस्प्ले पर दिखाएगा। और यहाँ पर मैं ऑटो रिप्लाई SMS कर सकता हूँ, स्पीड वार्निंग कर सकता हूँ कि मेरे को अगर इससे ऊपर स्पीड जाएगी तो मेरे उसमें अलर्ट आ जाएगा, हाँ जी आपका स्कूटर इससे ऊपर गया। सेव ऑल ट्रिप में मतलब आपकी सारी ट्रिप्स जो हैं वो सेव हो जाएगी, अदरवाइज़ वो आपको सेव करनी पड़ेगी। सो ये थोड़ा सा फ़र्क है। बाकी ये नेविगेशन इस स्कूटर के अंदर इनबिल्ट GPS है। GPS से आपकी लोकेशन दिखाता है अभी एग्जैक्ट अभी क्या है। और ओवरऑल स्टेटस मेरा ये है, स्कूटर 1 किलोमीटर चला हुआ है, राइड मैंने 0 की है। अगर मैं इसकी राइड जैसे करूँगा 1-2 जैसे ऑफ ऑन, तो जैसे थोड़ी थोड़ी राइड करूँगा तो उतनी राइड दिखाएगा, हाँ भी आपने कितनी राइड इसके अंदर कर ली है।
सो यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं, हेल्प से आप हेल्प ले सकते हैं, SOS वगैरह, सो सारी डिटेल, जैसे आपका स्कूटर में कभी कोई दिक्कत आती है तो सारी डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी। और ये है पूरा आपका ऐप का कनेक्शन का फीचर। वीडियो बता देना कैसी लगी हो, चैनल के साथ जरूर जुड़ जाना, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। थैंक यू गाइज़।